फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि नए एग्जाम कब आने वाले हैं, ठीक है, पीएनएचटी के। तो फाइनली अपडेट आ चुका है। जैसा कि अभी हमारा जो एग्जाम हुआ था 2021 और 22 बैच का था, ऐसे ही अब 2022 और 23 का बैच का एग्जाम आ चुका है, जो कि डेट डिक्लेयर कर दी गई है पीईबी द्वारा। इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों के एग्जाम वो नहीं दे पाए थे एज इशू के कारण, देन बहुत सारे बच्चे अभी जो एग्जाम दिया उसमें बहुत कम नंबर आए हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे फ्रेशर बच्चे हैं जो ये एग्जाम दे सकते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ पीएचटी का जो न्यू अपडेट आया है 2022 को लेके, जो एग्जाम फॉर्म सबमिट होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में सारा सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे सारे जो भी न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंचाए। ओके, जैसा कि 2022 का जो बेस था उसका एग्जाम नहीं हुआ था, वो उसके चांसेस थे सितंबर तक जाने के। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि जो अब नेक्स्ट फॉर्म आएंगे वो सितंबर तक आएंगे, पर अब ऐसा नहीं है। जो फॉर्म है वो अभी से अप्लाई हो रहे हैं और आप लोगों का जो सारा सब कुछ उन्होंने टाइम टेबल है वो दे दिया है, तो वीडियो में ये सारा सब कुछ हम जानेंगे। जैसे कि हमारे फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 15 फरवरी, ओके, 2023 की। देन इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 1 मार्च 2023 तक आपके फॉर्म सबमिट होंगे। इसके बाद जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपका 8 जून को एग्जाम होने वाला है, जो कि 2 शिफ्ट में होने वाला है, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और एक इवनिंग शिफ्ट। ओके, देन आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें जो आपकी फॉर्म फीस जनरल लोगों के जनरल वाले बच्चों के लिए है 400 रुपए, देन एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज इनके लिए ओनली 200 रुपए रहेंगी। ओके, देन आपका एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकता है। ओके, तो ऐसे बच्चे जो कि 1 जुलाई 2022 में 17 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं वो ही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके एज ज्यादा है वो लोग भी कर सकते हैं, पर उनके एज 17 क्लियर होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को। ओके, सो आपकी जो एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। देन इसके बाद जो अन्य एससी एसटी ओबीसी वगैरह को जो छूट दी गई है वो 5 साल की दी गई है। ओके, सो जो 28 से ऊपर भी है अदर कैटेगरी वाले जनरल को छोड़ के, तो वो लोग भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले डीएचएस कॉलेजेस की सीट्स बहुत कम थी, ओनली 560 सीट्स थी, सो इसे बढ़ाकर अब 1050 कर दिया गया है, यानी सीट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसके साथ ही कॉलेजेस भी इंक्रीज हुए हैं, पहले 9 कॉलेज थे अब डबल हो गए हैं, 18 कॉलेजेस हो गए हैं डीएचएस के। तो ये सभी कैटेगरी में सीट्स इंक्रीज हुई है। ओके, तो इसमें हम जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है। ओके, तो जो जनरल की सीट्स है वो 283 है, इसके बाद जो एससी की सीट्स है वो 168 है, इसके बाद जो एसटी की सीट्स है 210 है, इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स है वो 105 है, इसके बाद जो ओबीसी की सीट्स है वो 284 सीट्स है। सो इसमें सबसे ज्यादा सीट्स ओबीसी की है, देन जनरल की, देन इसके बाद अदर कैटेगरीज की सीट्स है। ओके, सो ऐसा कुल मिला के हमारे पास 1050 सीट्स अवेलेबल है। तो इस बार एग्जाम जो है बहुत अच्छे से वो देना ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए, सीट्स भी इंक्रीज हो गई है। इसके साथ ही जो डीएमई की सीट्स रहेंगी वो 810 अलग से है, सो टोटल मिला के 1860 सीट समथिंग है। तो आप लोगों के सिलेक्शन होना इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। सो अच्छे से पढ़ाई करें, देन जो भी फ्रेशर से है एंड जो जिनके लोगों के अभी पीएचडी वाले एग्जाम में कम नंबर से आए हैं, देन जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं उन सभी लोगों का एग्जाम अब होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना। जो हमारा पीएचडी एग्जाम अब लास्ट होने वाला है अभी 2022 बैच का, ये जो फॉर्म है ओनली गर्ल्स लोग अप्लाई कर सकती है इसके लिए, बाकी बहुत सारे ऐसे अभी एम्स के भी फॉर्म आने वाले हैं जिसमें बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उसका भी मैं अपडेट देने वाली हूँ कि एम्स के एग्जाम कब होने वाले हैं, जो कि अभी ही इसके भी अपडेट आ चुकी है। सो वीडियो में हम आगे ये जान लेते हैं कि आप लोगों के किस शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, देन आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। ओके, सो जो आपके एग्जाम डेट है वो 8 जून है, जिसमें आपके जो मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी उसमें आपका विजिट टाइम होगा 7 से 8 का मॉर्निंग में, देन आपको 8:50 पे अंदर एंटर करना होगा अपने एग्जाम हॉल में और 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही डे शिफ्ट वालों को 12 से 1 के बीच आपका रिपोर्टिंग टाइम दे देना है, देन इसके बाद आपको 1:50 पे अंदर बुला लिया जाएगा, आपका 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम हॉल में। ओके, सो इस तरीके से आपकी टाइमिंग रहेगी। जैसा कि अभी 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था हमारा, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उसमें एग्जाम डेट्स को भी बढ़ा दिया गया था, देन शिफ्ट्स भी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपकी डेट्स भी आगे पीछे हो सकती है, यानी आगे बढ़ सकती है, एंड आपके शिफ्ट से है वो भी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो ये चेंजेस अगर कुछ आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बाकी अभी जो दिया हुआ है पीईबी द्वारा ओनली 2 शिफ्ट का दिया हुआ है, मॉर्निंग एंड डे में। ओके, 8 जून को एग्जाम होने वाले हैं।
तो आप सभी लोग तैयारी अभी से अच्छे से स्टार्ट कर ले, बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, समथिंग 5 मंथ्स बचे हुए हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से स्टडी करना है, क्या क्या टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग में मेरे बैक टू बैक वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ओके, देन इसके साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि अपडेट था कि पीएचडी के जो नेक्स्ट फॉर्म है 2022 के वो आ चुके हैं, तो आप सभी लोग तैयार है अच्छे से फॉर्म भर देना, जो कि फरवरी से अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोगों के पास अभी काफी टाइम है, जो बच्चे डीएमई की काउंसलिंग करवा रहे हैं वो करवा ले, जिन बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन वो 2022 के लिए अभी से प्रिपेयर कर ले खुद को कि हमें 2022 का एग्जाम देना है। ओके, इसमें सीट भी इंक्रीज है, देन डीएमई की काउंसलिंग अलग होंगी और डीएचएस की काउंसलिंग अलग होंगी। जो डीएचएस की काउंसलिंग है 2022 वाले बैच की जो होने वाली है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि डीएचएस की काउंसलिंग के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं, काउंसलिंग होंगी या नहीं होंगी जो एग्जाम होने वाला है, या होंगी तो किस तरीके से होंगी, आपको मेरिट में किस तरीके से लिया जाएगा, ये सारा सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही कि हमारे फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम डेट 8 जून है, तो अभी से पढ़ाई कर ले, जो जो आप लोगों ने पढ़ लिया है रिवाइज जरूर करें उसे एक बार, एंड जो भी आपके अगर डाउट्स हो मुझे आपको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।